कनाडा में सिख रहनुमा का बेईमाना कत्ल किया गया। मगरबी दुनिया को कनाडा में भारतीय इकदाम की वजह से झटका लगा। हिंदुस्तान पर इंतहाई संजीदा सवाल उठाए जा रहे हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले भारतीय रियासत मणिपुर में सैकड़ों मर्द और खवातीन को कत्ल किया गया। भारत मावरा अदालत कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रहा है, दुनिया भारत में अकलियतों की नस्ल कुशी पर खामोश ना रहे। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान पर अफगानिस्तान से हमले करती हैं, पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है, अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया, आइंदा भी करेंगे। पाकिस्तान का जो रवायती नुक्ते नज़र है कश्मीर के हवाले से है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से था, फलस्तीन के हवाले से, हिंदुत्व पे कश्मीर के हवाले से ही तो शुरू हुआ और बिल आखिर आज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से एड्रेस जो हुआ, उनमें भी इन तमाम नुकात को जो वक्तन फवक्तन हम मुख्तलिफ फोरम्स पे उठाते हुए तरीके से खालिस्तान के एक रहनुमा जो थे उनका बेईमाना कत्ल हुआ, उसने मैं समझता हूँ कि वेस्टर्न कैपिटल में एक जॉल्ट किया है और उसको झटका दिया है और यहाँ कुछ आंखें खुल रही हैं और वो संजीदा सवालात उठा रहे हैं। तो ये वो संजीदा सवालात हैं जो पाकिस्तान तो उठा रहा था, कह रहा था वो विक्टिम था इंडियन टेररिज्म का एज ए टूल और हम लगभग कोई दो दहाइयों से जब से ये फ्लर्टेशन इन्होंने वेस्टर्न एमोस्फेयर के साथ शुरू की है उसमें तमाम तर तवानाइयां जो कुछ फवायद उनको जिनका उसूल उन्होंने किया है बदकिस्मती से उसी अंदाज में वो पाकिस्तान से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।